यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार को एक बरस पूरे हुए सिर्फ 10 दिन बीते हैं और एक बरस पूरा होने पर राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना था कि स्थिति वैसी नहीं है जैसा मीडिया दिखाता है। हम आपको कुछ और तस्वीर दिखलाते हैं। यह तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेता की दबंगई की कहानी बता रही है, दिखा रही है और दूसरों में गुंडे की बेपरवाही की झलक भी आप देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें गौर से देखिए। पहली, महिला के हाथ में बंदूक। दूसरी तस्वीर, गाड़ी से एक माउजर जब्त करती पुलिस। तीसरी तस्वीर, गाड़ी के पिछले हिस्से से एक ओवर अंडर शॉटगन निकालती पुलिस। मजरा समझने से पहले ये जान लीजिए कि जिन गाड़ी से असलहा निकला है वो है कौन। नाम है पीया भारद्वाज। समाजवादी पार्टी की नेता है, विधायक रह चुकी है, फिलहाल कुर्सी तो नहीं है लेकिन दबदबा कायम है। कभी भी कहीं भी अपने समर्थकों और लाइसेंसी गैर लाइसेंसी बंदूकों के साथ पहुंचने का दम थम रखी। ये तस्वीर है रामपुर की। आरोप है कि जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई ये अपने तरीके से सुलझाना चाहती। जो परिवार अब तक उस जमीन पर खेत करता आया था उसने आरोप लगाया है कि पीना भारद्वाज बंदूक के दम पर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। पीना भारद्वाज, रजनी और 15-20 लोग साथ थे इनके, असला लेके हम पहुंचे और ट्रैक्टर ड्राइवरों को मारना पीटना शुरू कर दिया और फायर किए और फिर हमने फोन किया पुलिस को। पुलिस और प्रशासन मौके पे पहुंचा, फिर भी उन्होंने हमारा कृषि कार्य नहीं होने दिया और हमें कब्जे से बाहर करना चाहते। पुलिस ने बीना और उनके 15 साथियों को हिरासत में लिया था। 3 लाइसेंसी हथियार के साथ एक अवैध हथियार भी जब्त किए गए थे। सरेआम धमकी देने और गोलीबारी करने का आरोप था लेकिन पुलिस ज्यादा देर तक उन्हें थाने में रख नहीं पाई, शायद रसूख काम कर गया। बहरहाल यूपी की एक और तस्वीर आई है इलाहाबाद से। सीसीटीवी फुटेज है। एक बिल्डर के घर में हाथ में बंदूक थामे 5 लोग बेधड़क घुसते हैं और मारपीट करते हैं। इरादा फैजराम के एक बिल्डर के कत्ल का है लेकिन दफ्तर में नहीं होने की वजह से उनकी जान बच गई। गुंडों के दफ्तर से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें देखा तो पीछा किया लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो पुलिस पर फायरिंग कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस उन्हें जल्द ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। जाहिर इन दोनों तस्वीरों ने कानून व्यवस्था के मामले में यूपी की गिरती साख में एक अध्याय और जोड़ दिया है। क्या अखिलेश यादव देख रहे हैं? इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मुश्किल सिर्फ कानून व्यवस्था के मद्देनजर नहीं है, लोगों की परेशानियां भी हैं। लखनऊ में ही डॉक्टर हड़ताल पर है। कई सवाल हैं जो उलझे हुए हैं लेकिन सियासत में तीसरे मोर्चे की जगमगाहट में हर चीज खो भी रहा है। ये है राजनीति और ये है सियासत और ये है इंडिया।